अब हम चलते आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे आपको फोकस करना है, जरा आप ध्यान से चेक करो। यहां पर रूल को कॉपी के अंदर लिखोगे, द साइक्लिक कंपाउंड ऑफ द रिंग इज कंसीडर्ड एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल ओनली व्हेन, नाउ लुक एट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइक्लिक या रिंग को तभी आप पेरेंट मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करोगे जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ओके मोर देन, जहां पर स्टेट चेन से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने चाहिए। इस चीज को समझिए, यहां पर जो लिखा है उसको पढ़िए, ओनली व्हेन इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द अटैच्ड साइड चेन विद नो फंक्शनल ग्रुप। समझिए इस चीज को, आप साइक्लिक कंपाउंड को तभी पेरेंट चेन काउंट करोगे जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन से जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा होने चाहिए। अब कई बच्चों को शायद ये लाइन समझ में नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल देके, जरा आप चेक करो। अब ये पहला एग्जांपल है, जरा आप चेक करना, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, इसमें यही आपकी पेरेंट चेन होगी जिसमें काउंटिंग करोगे 1, 2 एंड 3। इसमें भी कोई साइड चेन नहीं है सेकेंड वाले में, इसमें काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें एक साइड चेन है, वो साइड चेन आपके लिए सब्स्टिट्यूट के जैसा होगा, तो आपकी पेरेंट चेन यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपकी जो साइकिल है वो पेरेंट चेन बन जाएगी जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू साइड चेन। आगे समझ में, ये मतलब निकलता है इसका। अब जरा समझिए, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा है, दो एग्जाम्पल देता हूं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि कुछ ऐसा है, ये एक साइकिल है और 1, 2, 3 ये कंपाउंड दिया हुआ है, और मैं मान लेता हूं ये एक साइकिल है और ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब नंबरिंग कैसे करोगे, तो इसके अंदर क्योंकि साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। समझ में आता है, 1, 2, 3, 4, 5 ओके। सो वन, अच्छा ये भूल गया मैं, 1 ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा, सही है। अब यहां पर आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया, अब ये आपके लिए सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया। और काउंटिंग कहां करी है आपने, रिंग में, क्यों, क्योंकि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। लेकिन यहां आ जाओ, अब इन दैट केस यहां पर आप इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि बाहर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो आप यहां पर नंबर 1 लगाओगे, यहां पर नंबर 2 लगाओगे, यहां पर नंबर 3 लगाओगे, यहां पर नंबर 4 लगाओगे, यहां पर नंबर 5 लगाओगे। सो ये 1, 2, 3, 4, 5 करके अब आपके लिए जो साइक्लिक रिंग है ये वाली, ये सब्स्टिट्यूट के जैसी हो गई। ये कहानी है ओवरऑल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये किस किस को समझ में आ गया। ये दो मैंने यहां पर एग्जांपल लिए हैं कि रिंग को कब आपको सब्स्टिट्यूट में लेना है, कब आपको सब्स्टिट्यूट में नहीं लेना। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं कि कहां पर रिंग में काउंटिंग करनी है, कहां पर रिंग में काउंटिंग नहीं करनी। आ गया, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो रिंग को काउंट करो, लेकिन ध्यान रखना है कि बाहर फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। जब रिंग में कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो काउंट मत करो, बाहर को काउंटिंग करो, ये सब्स्टिट्यूट के जैसा हो गया। तो अब यहां पर एक और बात, अगर ये सब्स्टिट्यूट के जैसा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी बहुत इजीली आप लिख सकते हो, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो क्योंकि 3 कार्बन है, रिंग है तो साइक्लो लगा दिया, 3 कार्बन है, 1, 2, 3, और आपने एक हाइड्रोजन लगा के हटा के सब्स्टिट्यूट लगाया, तो इसका नाम क्या हो गया, इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल नाम हो गया इसका, इज दिस क्लियर। साइक्लोप्रोपाइल नाम हो गया इसका, इज दिस क्लियर। साइक्लोप्रोपाइल नाम हो गया इसका, क्लियर है। तो ये रूल्स अच्छे से लिखते जाना क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होते हैं।